मुबारक हो तुम्हारा है आज पहला दिन स्कूल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा छोटा भाई जिसका नाम है पंपी, ये भी पढ़ाई करेगा आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप पढ़ते हो। मुबारक हो, स्कूल जाना है अब। नहीं, मैं नहीं चाहूंगा। ओ ओ भाई, ओ भाई। अरे बाबा सुनो तो सही, तुम्हें नहीं जाना है स्कूल, हमारे छोटे नन्हे भाई पंपी को जाना है। इसको उठाओ। अभी मैं आया था कमरे में और यहाँ पर लाइट बंद हुई हुई है, साथ में एसी भी बड़ा स्पीड चल रहा है। मैंने जलानी है लाइट और देखना है कि यहाँ पर सोरा कौन है। वो तो ये बंदा है। चलो उठो, तुम्हें स्कूल जाना है, उठ जाओ जल्दी से, तुम्हारा आज पहला दिन है स्कूल का। अब इसके स्कूल के दिन शुरू हो गए और मस्ती वाले दिन खत्म हो चुके, इस वजह से इसकी अब बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। पंपी उठ जाओ, स्कूल जाना है। पंपी उठो, पंपी स्कूल जाना है, उठो पंपी, उठो उठो जल्दी उठो, पंपी को स्कूल जाना है, आ जाओ। अबे ये उठ ही नहीं रहा यार, ये उठ क्यों नहीं रहा यार। पंपी उठो, चलो स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, चलो चलो चलो, कपड़े चेंज कर दो, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, शर्ट बदलो जल्दी, आओ तुम्हारा पैंपर भी चेंज करवाना है मुझे, जल्दी से आ जाओ। मुझे गाइस अभी भी वो दिन याद है, मेरे ऊपर तो पानी फेंका था, अगर पंपी नहीं उठा तो मैं इसके ऊपर भी पानी फेंकूंगा, देखना। वापिस से सो गया। पंपी आपका स्कूल का दिन है, उठ जाओ यार। अरे पंपी उठो ना, आपका स्कूल जाना है आपने यार। अरे नीचे सो रहा है यार पंपी। नहीं गाइस बिल्कुल ऐसा ही मैं भी किया करता था जब मैं छोटा था, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरे पे जो जुलूम होता था वो अब खत्म हो चुका है, अब इस बच्चे पे होगा वो सारा जुलूम। पंपी तुम उठ रहे हो या मैं पानी फेंकू? तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है, 5, 4, 3। अरे पंपी तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। अरे पंपी उठ जाओ प्लीज यार, स्कूल है, अब तो मुझे पानी फेंकना पड़ेगा। अब मैं भरूंगा पानी। पानी भरते जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। गैस पानी आ चुका है और पानी को मारना है पंपी के मुंह पे। पंपी तुम उठ रहे हो या नहीं? पंपी तुम उठ रहे हो या नहीं? पंपी तुम उठ रहे हो या नहीं? पंपी स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। यार पंपी तो अंदर छुप गया। गाइस अब पंपी को निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पंपी का टाइम कम बचा है और पंपी को जल्द से जल्द रेडी होना है, ब्रेकफास्ट करना है और भाई अपनी बस में जाना है। अगर पंपी 1 मिनट भी लेट हुआ तो वो बस चली जाएगी। पंपी पंपी अंदर छुपा हुआ है ना, पर पंपी को नहीं पता कि एके अल्ट्रा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पांव खींच के बाहर निकाल दूंगा इसको मैं। आ जाओ पंपी, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ पंपी, तुम्हें स्कूल जाना है। मेरे ऊपर पानी फेंक दिया इसने तो यार, मेरे ऊपर पानी फेंक दिया। अगर तुम स्कूल नहीं गए तो बड़े आदमी नहीं बनोगे, और बड़े आदमी अगर नहीं बने तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, अगर इज्जत नहीं करेगा तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होगी, गाड़ी भी नहीं होगी, बाइक भी नहीं होगी, लॉलीपॉप भी नहीं होगा, चॉकलेट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कैमरा बंद करके पैंपर उतारो, आपको शर्म आती है? इनको बोला आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करो, मैं पैंपर चेंज कर रहा हूँ। यार अब मुझे पता पड़ा पंपी शर्मा रहा है आप लोगों से यार, तो पंपी का पैंपर चेंज करते और फिर पंपी को रेडी करते। यार पंपी का पैंपर तो चेंज कर दिया, लेकिन अब सीन थोड़ा आउट हो चुका है, बारिश होना शुरू हो गई है और इतनी तेज बारिश में रास्ते को पार करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस बारिश का एक फायदा है, पंपी को मुझे नहलाना नहीं पड़ेगा, बारिश में ही नहला दूंगा। टन टन, चलो आ जाओ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ पंपी नहाता किस तरह से। बोले मैं नहाना भूल गया हूँ, आप कैसे नहाते हो बताओ मुझे? देखो भाई सिंपल ट्रिक है पंपी, यूं करो, गाइस हमें पंपी को नहलाना है और बारिश इतना अच्छा पानी दे रही है, इतना सारा, इससे भरकर और कोई हल होगा नहीं। ऊपर से पंपी मजे लेके नहा भी रहा है यार, वरना अगर मैं शॉवर से नहलाता ना पंपी कभी भी नहीं नहाता इतने मजे से। पाँव नहीं धोया आपने? जल्दी से जाओ पाँव धो के आओ। फिर यार गाइस नहा रहा पंपी को, पर मैं नहा रहा हूँ यार, मेरी सारी छतरियां लेके भाग गया पंपी। यूं करो ऐसे ऐसे, कम ऑन कम ऑन, मेरे साथ गाओ मिलके, कम ऑन। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
अब बारी है हाथ धुलाने की पंपी को। इसके ड्रामे इतने यार मैं क्या करूं, मेरा हाथ 2.5 किलो का है। ऐसे नहीं करना, पर ये मेरा हाथ 2.5 किलो का है। मेरा हाथ 2.5 किलो का है।
हाँ अब यूं करो, इस हाथ को अंदर डालो, यूं डालो, हाथ को डालना है मुंह को नहीं, 2.5 किलो का है। हाँ अब इस 2.5 किलो वाले हाथ से यूं पानी उछालना है, दूसरे हाथ से भी। यार पंपी का यूनिफॉर्म तो खराब हुआ हुआ है, बोल रहा है अब मुझे प्रेस करने हो गए तब जाके ये यूनिफॉर्म सही होगा। खराब है, मैं इसको नहीं जाऊंगा। ऐसे ही नहीं जाएगा, मैं तुझे भेजूंगा बेटा। कहाँ है तुम्हारा यूनिफॉर्म? ये खराब हुआ हुआ है ना, मैं इसको भी सही कर दूंगा। भजन भजन यार, अरे यार तुमने पंपी को तैयार करा, स्कूल में देर हो जाएगी। हाँ भजन, पंपी की टाइमिंग फिक्स है और पंपी अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो पंपी को निकाल देगी स्कूल से। जल्दी करो यार, इसके कपड़े खराब हुए हैं। इसको यार, ये पंपी के स्कूल के कपड़े खराब हुए हैं यार, पंपी बोल रहा है अब क्या करें। सोचना था ना यार, अब मैं क्या करूं बता जल्दी, अब देर हो रही है। यार भजन मैं चाहता हूँ कि पंपी का पहला दिन मिस ना हो, इस वजह से हमें कुछ करना होगा इन कपड़ों को। यार एक काम करता हूँ, इन्हें धोने काम है, धो लूँ कपड़ों को। इन कपड़ों को धोऊंगा तो सूखने में इतना टाइम लग जाएगा, ऊपर से बारिश भी हो रही है। भजन एक काम कर, इसको इस्त्री कर लेता है। हाँ हाँ गाइस देखा, मैंने भी जो बोला था वही भजन भी बोल रहे, इसको प्रेस कर लेते तब जाके इसके कपड़े धुले हुए लगेंगे। चलो भजन जल्दी से आयरन को ऑन करो यार, इसको चलाओ जल्दी से भजन, टाइम नहीं है। आराम से चार गाइस, बाजार ना कपड़ों को प्रेस कर रहे, तब तक मैं पंपी को खुश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर खुश नहीं करूंगा पंपी सो जाएगा। यार ये भी करनी है, ये भी इसको भी करना है। यार ये पंपी ने क्या कर दिया यार कपड़ों को अपने। छोड़ो गाइस ये चड्डी करो जल्दी से यार, इसकी ये भी बाजन कर दे जल्दी से यार, तो काम हो जाएगा हमारा सारा। पंपी तुम्हारे कपड़े आ रहे, तुम टेंशन मत लो, डांस करके दिखाओ। पंपी देखो आंखें बंद करो मेरी, अब खोलो आंखें, खोल के दिखाओ। पंपी को खुश करने के लिए ऐसी हरकतें करनी है ताकि सो ना जाए। यार पंपी को कपड़े पहनाने, अब पंपी के कपड़े प्रेस हो चुके। पंपी तुम्हें पता है चॉकलेट दिलाऊंगा, लॉलीपॉप दिलाऊंगा, सब दिलाऊंगा, तुम बस तैयार हो जाओ। तुम्हें आती है चड्डी पहनना, चलो चड्डी पहन लो जल्दी से, पहन के दिखाओ, सब आपको देख रहे, पहन के दिखाओ। पंपी चड्डी पहनना है, 5 सेकंड में पहनेगा देखना, 1 2 3 जल्दी कर ले मेरे बाप, 4 उल्टी चड्डी पहन रहा है यार पंपी तो। जल्दी पंपी पहन लो मेरे भाई, ये देखो ऐसे पहननी है चड्डी। यार पंपी है ना, पंपी चेयर पे बैठ ही नहीं रहा, इसलिए पंपी को ऐसे शर्ट पहनाऊंगा। पंपी मैं कैंगरू, कैंगरू शर्ट पहन लो, ये लो। आपको स्कूल भी जाना है ना, पढ़ाई करनी है आपको। A4 बिल्ली, A4 बिल्ली, A4 बिल्ली। ये जब तक बोलेगा तब तक बस निकल जाएगी। पंपी भाग रहा है, ओए ओए भाग रहा है, अबे भाग रहा है, मेरे को भाना करके भाग रहा है यार, ऐसे भागने नहीं दूंगा। पंपी की आस्तीन के भी बटन लगा देते। पंपी तैयार हो चुका है स्कूल के लिए। यार पंपी की शिकल और पंपी का ड्रेस देख के लग रहा है कि पंपी पढ़ाई करने नहीं, मारने जा रहा है किसी को। पंपी तो बैठ चुका है और पंपी के साथ सारी टीम भी है, बस पंपी को छोड़ के आना है स्कूल। यार गाइस घर में पानी है, हमें आराम आराम से चलना होगा ताकि मेरे कपड़े भी गीले ना हो ना पंपी के भी। पंपी तो पर गाड़ी में बैठ चुका है, मैं नहीं बैठा ना, खैर कोई बात नहीं, मैं कौन सा स्कूल जा रहा हूँ। बंद कर दो भाई, आप करके यार मैं पानी में डूब जाऊंगा। छोड़ दिया भाई, अब तो मैं घर पे खेलूंगा, एंजॉय करूंगा, तुम तो अकेले हो। नहीं आप नहीं होगे, स्कूल जाएगा, मैं आराम से। और पंपी का पुप्पू मैं पीऊंगा, अब तो मैं देखूंगा बेबी शर्क। यस पापा स्कूल जाओ, नो पापा, मैं बेबी शर्क देखूंगा और इतने सारे इसके फेवरेट कार्टून देखूंगा। अरे ये बोला ठीक है, टिल हो इतना बड़ा दिल बैठा है। यार पंपी का पहला दिन है स्कूल में, पंपी तो तैयार हो चुका है और जा रहा है स्कूल के लिए, लेकिन मेरे भाई इसको बुली कर रहे, तंग करे जा रहे कब से यार। मैं गंदा नहीं हूँ, आप गंदा, मैं यही सोच रहा हूँ यार पानी इतना ज्यादा हो रहा है, छुट्टी ना हो जाए यार स्कूल की। नहीं भाई छुट्टी नहीं होती, यहाँ पे स्कूल चलता रहता है। गाइस अगर आज पंपी स्कूल चला गया ना तो बाबर भाई के मजे हो जाएंगे। बाबर भाई बोल रहा है मैं एंजॉयमेंट करूंगा, चॉकलेट खाऊंगा, गेम खेलूंगा। आपकी मैं किटकैट चॉकलेट इतनी सारी खा जाऊंगा, ठीक है जो आपकी। अरे पंपी आप स्कूल जा रहे हो, ये बोल रहा आपकी सारी चीजें मैं चुपके से खा लूंगा। नहीं मैं खा जाऊंगा आपकी सारी चॉकलेट जितनी भी आप। वो देखो वो दो बच्चे भी जा रहे हैं, वो देखो अब पंपी भी जाएगा ऐसे इन बच्चों की तरह।
बाय बाय। ना मैं तो उसका पंपी की सारी चॉकलेट एक दिन में खत्म करूंगा, ठीक है? पंपी आप स्कूल जा रहे हो, पीठ पीछे आपकी सारी चॉकलेट ये खा लेगा। ये बोला है कि पंपी के मैं सारे सामान भी गुम कर दूंगा। चाबी कहाँ है? स्पोर्ट्स बाइक चलाऊंगा, ठीक है? स्पोर्ट्स बाइक आपकी खराब कर देगा बोला है। मैं तो खुश हूँ, मुझे टेंशन होनी मेरा क्या होने वाला है अब। अल्लाह भाई तुम्हें मध्य क्लास में डालते हैं, नर्सरी में डाल देते वहाँ को, ठीक है? बेटा तुम लोग कर लो मजाक मस्तियाँ, तुम लोगों का भी दिन आने वाला है, क्योंकि गाइस मेरी छुट्टियाँ खत्म होने से पहले इन दो भाइयों की छुट्टियाँ खत्म होगी, जिसमें से भाई मेरा भाई बाबर, फिर आएगा अब्दुल एमजे, इनों को मुझे करना है तंग, जैसे ये तंग कर रहे पंपी को। जब आप मुझे खड़े गाड़ी में छोड़ने के लिए जाओगे तभी। हाँ यार आइडिया अच्छा है वैसे, अब्दुल एमजे को खड़े गाड़ी में, एक अब्दुल एमजे को खड़े गाड़ी में स्कूल छोड़ा। क्यों रो रहे हो? बाबर गया हुआ है, अब पंपी क्या प्लान बना रहा है मेरे से बताओ, स्कूल ना जाने के लिए। बोले बाबा गए हुए, सब भाई भी गए हुए, हम भाई चुपके से निकल जाते ताकि स्कूल नहीं जाना पड़े, है ना? लेकिन पंपी तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, तुम पढ़ोगे लिखोगे तभी तो बनोगे नवाब। यार ये तो इतनी बड़ी बात कह रहा है, बोला अभी मौका है हमारे पास, निकल जाते अभी। स्कूल से डर क्यों लगता है तुम्हें? कुछ मार तो तुम्हें मार नहीं पिटेगी, मैं बैठा हुआ हूँ ना। यार इसके आइडिया तो सुनो भाई, इतना बड़ा दिमाग इतने छोटे बच्चे का, इस उम्र में अगर मेरे पास इतना बड़ा दिमाग होता ना, मैं तो भाई आज व्लॉगिंग नहीं कुछ और कर रहा होता। बोला बाबर को भी नहीं पता पड़ेगा, आप मुझे ले जाओ, फिर बोल देना कि पंपी मेरे साथ था स्कूल से होके भी आ गया, ऐसी बात है। यार इतना बड़ा प्लान, पंपी तुम एक और प्लान बता रहा है। हो बोला अभी निकल जाते, अभी हमारे पास वक्त है, हम घर से निकल जाते अभी। डर लगेगा। क्यों डर लग रहा है पंपी आपको? मारेगा नहीं मारेगा पंपी? बाबर को पता चला। हाँ अच्छा, सब ये लालच दे रहा है मुझे, क्या आपको ये चीज दिलाऊंगा ये चीज दिलाऊंगा, इतनी बड़ी लालच दे रहा है यार। आपको मैं पैसे भी दिलाऊंगा, चलो लेकर चलो। चार गाइस ये पूरी तैयारी कर रहा है कि मैं बस हल्की सी आंख झपकाऊं और ये बाहर निकल जाए दरवाजा खोल के। देखा ये भाग रहा था यार पंपी। जो ये बाइक पे हम बैठे ना, इससे एक फायदा हो गया, हम छोटी छोटी गलियों में भी चले जाएंगे। मैंने बाजन ये तो समोसा मांग रहा है, चल भाई दिला। समोसे की बात कर रहा है पंपी, अब लेने पड़ेंगे। तो यार अभी मैं समोसे लेने आया हूँ, क्योंकि पंपी ने कहा है कि समोसे नहीं लाओगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पेक करवाए, खर्चा भी करवा रहा है साथ में, मेहनत भी करवा रहा है, अब क्या करे यार, करना तो पड़ेगा। समोसे ले लिया, बाइक में बैठ जाता हूँ इससे पहले कि पंपी कोई और चीज मांगे। चलो बस खिलौने को छोड़ो, खिलौने भी मांग रहे हैं यार। यार पंपी एक बात बताओ, तुमने समोसे तो ले लिए लेकिन तुम्हारे पास कॉपी और पेंसिल पड़ी है? कहाँ पर है? अंदर है, मतलब दुकान से खरीदनी पड़ेगी यार ये भी। भाई दुकान में चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। यार कॉपी और पेंसिल के बगैर जा रहा था, ऐसे कोई पढ़ाई होती है? आप खुद बताओ यार, इसकी अकल देखो, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? ये वाला पेन चाहिए, ये वाला यार एक पेन दिखा दो, इसको पसंद आ गया है बस, ये हो गया। ये कैसे चलता है, चला के दिखाना। यार ये कॉपी तो पंपी से भी ज्यादा भारी है भाई, पंपी इसको उठा के दिखाओ। नहीं उठा पा रहे ना, भारी है ना। यार जो जो सामान है, पेंसिल रबर शॉपर स्केल, सब मैं मंगवा रहा हूँ भाई से, ताकि पंपी भाना ना करे कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं इस वजह से पढ़ाई नहीं करूंगा। अरे पंपी ये देखो, ये चाहिए? ये नहीं चाहिए पंपी को,
ये वरना मैं दिला देता पंपी को, पर पंपी ने मना कर दिया। जो सामान हमने लिया है इसको भाई शॉपर में डाल देते, क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। अगर इस भाई पैसे बता दे तो हम यहाँ से पैसे दे के चले जाए। स्केल आए हुआ 30 रुपीज, शार्पनर आए ताजी हुआ 10 रुपये। यार सामान ले लिया है मैंने, अब बाइक पे पंपी को बिठाते। पंपी तो भाग रहा है, पंपी बाइक पे बैठना है अपन को। चलो बैठो, ये लो सामान अपना। और ये रास्ता तो ब्लॉक हुआ हुआ है, मतलब पंपी को मुझे उठाना पड़ेगा। गाइस आगे रास्ता बंद हुआ हुआ है पानी ज्यादा होने की वजह से, अब मुझे पंपी को गोद में बिठा के लेके जाना पड़ेगा। मैं बाइक लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम पैदल चलो। हम लोग आ गए, ये हमने मिशन पास कर लिया। यार यहाँ पर मैं आया था लेकिन ये तो बंद हुआ हुआ है। यार गाइस हम लोग स्कूल में आए थे लेकिन भाई स्कूल तो बंद हुआ हुआ है, मतलब कि पंपी की छुट्टी हो गई। सो यार पंपी का स्कूल तो भाई ऑफ था, पंपी की तो ईद हो गई है। चलो यार घर, छुट्टी हो गई इसकी। समोसा कौन खाएगा, समोसा कौन खाएगा, समोसा कौन खाएगा, मैं खाऊंगा। यार पंपी की छुट्टी है ना, मुझे बार बार तंग करके चिढ़ा रहा है कि मेरी छुट्टी है, मेरी छुट्टी है। पंपी की स्कूल की छुट्टी है लेकिन पंपी घर में पढ़ाई कर रहा है और इसको सिस्टर पढ़ा रही है। बोलो A4 A4 A4